आजकल कई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आइए हम एक नजर डालते हैं कि वे क्या है और उनके फायदे और नुकसान क्या है। शुरुआत फिक्स डिपॉजिट से करते हैं। इन्हें एक फिक्स टाइम के लिए रखा जाता है और ये कम इनकम के साथ एक फिक्स इंटरेस्ट रेट अर्जित करते हैं। हालांकि वे आसानी से उपलब्ध है, उन्हें खरीदना आसान है और वो प्रिडिक्टेड इनकम देते हैं। आपके द्वारा अर्जित इंटरेस्ट लिमिटेड है, ये टैक्सेबल है और आपको शायद पेनल्टीज भी चुकाना पड़ सकता है प्रीमैच्योर विड्रॉल्स पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF जो केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है और ये आपको छोटे सेविंग्स इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है, उचित सुनिश्चित रिटर्न की उम्मीद के साथ और कुछ इनकम टैक्स लाभों के साथ। लेकिन PPF में इन्वेस्टमेंट 15 वर्षों तक लॉक्ड रहता है और इसे पार्शियल विड्रॉल नहीं किया जा सकता 6ठे वर्ष के समाप्त होने से पहले। इसके अलावा चूंकि वे मार्केट से जुड़े नहीं है और केवल आपको प्री डिफाइंड इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए आप तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से लाभ उठा नहीं पाते हैं। आप में से कुछ लोग जमीन और प्रॉपर्टी खरीदना भी पसंद करते हैं जिसे बाद में किराए पर दिया या बेचा जा सकता है। इस प्रकार आपको रेगुलर इनकम मिलती है। घर की ओनरशिप होने का फिजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है और अगर अच्छे से प्लान किया जाए तो आप अपने होम लोन पर कुछ टैक्स भी बचा सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट के रूप में रियल एस्टेट के कई नुकसान भी है। सही प्रॉपर्टी की पहचान करने में भी समय, पैसा और बहुत मेहनत लगती है। बेशक ये बहुत महंगा है और फिर इसे समय समय पे पेमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें भारी कागजी कार्रवाई भी शामिल है और भरोसेमंद डेवलपर्स की पहचान करना एक समस्या हो सकती है। कभी कभी प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ सकती है और इन सभी कारकों के बारे में सोचने आपको उच्च खोज लागत न जोड़ने पर बहुत अधिक तनाव हो सकता है। इन सब के बाद रियल एस्टेट की कीमतों की वृद्धि में भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है और कभी कभी आप जो खरीदते हैं उसका मूल्य घटोती भी हो सकती है या जिस कीमत पर आप अपने निवेश का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उस कीमत पर बेचने के लिए खरीदार ढूंढने से पहले आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। आइए अब सोने पर नजर डालते हैं। सोना खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्पर्शनीय है और जैसा कि आप इसे देख, छू और महसूस कर सकते हैं, आपकी खरीद के बारे में आश्वासन की भावना होती है। सोने की कीमत में परिवर्तन बाजार की चाल से जुड़ा नहीं होता है और इसीलिए सोना आपको एक हद तक रिस्क में विविधता लाने में सहायता कर सकता है। किसी भी समय सोने के लिए खरीदार ढूंढना आसान है, लेकिन इसे खरीदना महंगा है, संग्रहित करना कठिन है, इसमें लेन देन लागत ज्यादा होती है और जब भी आप बेचेंगे तो कुछ मूल्य कमी आती है। जबकि कुछ लोग निवेश के रूप में सोना खरीदते हैं, वे भावात्मक रूप से इससे जुड़ जाते हैं और सही समय पर इसे बेचने का फैसला नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर ये काम लागू हो सकता है अन्य निवेश उत्पादों की तुलना में। सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड फिक्स टर्म के निवेश हैं, जिसमें वे आपको संविदात्मक ब्याज का भुगतान करते हैं या कार्यकाल के अंत में आपको एक निश्चित कीमत देते हैं। हालांकि अगर ब्याज दरें बढ़ती है तब इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू घट सकती है, इसलिए ये साधन आप में से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और अपेक्षाकृत निश्चित रिटर्न कमाना चाहते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि उनके द्वारा दिए जाने वाले रिटर्न सीमित है, ये निवेश उपयुक्त नहीं हो सकते। बहुत लंबी अवधि के निवेश के लिए कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड धारकों को भुगतान पर डिफॉल्ट कर सकती है और इस डिफॉल्ट रिस्क का अंदाजा लगाया जा सकता है बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग द्वारा। ठीक है, सुरक्षा के बारे में ये सब बातें बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप वास्तव में बहुत सारा धन कमाना और संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आप अपने पैसे के साथ क्या कर सकते हैं? इक्विटी में निवेश का क्या ख्याल है, लोकप्रिय रूप से स्टॉक या शेयर कहे जाने वाला? ये आपके लिए फायदे का एक तरीका है, एक कंपनी के विकास का मुनाफा, क्योंकि आप वास्तव में एक छोटे से मालिक बन सकते हैं। शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किया जाता है और आमतौर पर खरीदना और बेचना आसान होता है। हालांकि स्टॉक प्राइस अत्यधिक अस्थिर हो सकती है और इसीलिए गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकती है। यदि आप सही शेयर खरीद सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं, उनमें क्षमता है उच्च रिटर्न देने के लिए, लंबे समय तक धन बनाने के लिए। लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना नहीं। सही स्टॉक खरीदने में बहुत प्रयास, अनुसंधान और समय लगता है और चूंकि वे अत्यधिक अस्थिर हो सकते हैं, इसलिए मूल्य अनलॉक करने के लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ स्टॉक खरीदना मुश्किल होता है क्योंकि वे महंगे हैं या वे खरीदने के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं।
बहुत से लोग सीधे स्टॉक खरीदते समय पैसा खो देते हैं क्योंकि वे उन शेयरों का पर्याप्त अध्ययन नहीं करते जिन्हें वे खरीदते हैं और इसके बजाय बाजी लगा बैठते हैं। स्टॉक प्राइस में लगातार वृद्धि और गिरावट को देखते हुए आपका अपना भावात्मक निश्चय या व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह सही खरीद और बिक्री के फैसले के रास्ते में आ सकते हैं। तो अब आप इक्विटी के बारे में और निश्चित आय के बारे में जानते हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इनमें से कोई एक आपके लिए सही नहीं हो सकता है, खासकर लंबे समय में, जबकि निर्धारित आय आपकी मदद कर सकती है रिलेटिवली पूर्वानुमानित लाभ कमाने में। भले ही ये रिटर्न कम हो सकता है अन्य संपत्ति वर्गों से जो आप कमा सकते हैं उससे अधिक, इक्विटी आपको धन बनाने में सहायता कर सकती है। लेकिन आपको बाजार के जोखिमों से अवगत कराते समय इक्विटी का सही मिश्रण जो आपको विकास करने में सहायता करता है और निश्चित आय जो आपको स्थिरता जोड़ने में सहायता करती है वो है जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। जो हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पर ले जाता है, क्या होगा यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं अब तक के उल्लिखित प्रोडक्ट से लेकिन केवल एक ही प्रोडक्ट में निवेश करके म्यूचुअल फंड में प्रवेश करें। अधिकांश विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड की सलाह देते हैं क्योंकि ये खरीदने में बहुत आसान है और समझने में भी आसान है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आप वास्तविक रूप से सिक्योरिटीज के संयोजन का एक्सेस प्राप्त करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि। एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किया गया ये इनबिल्ट विविधीकरण आपके रिस्क को कई एसेट वर्गों में फैलाता है, जैसे इक्विटी और फिक्स इनकम, जिसका अर्थ है कि आप रिटर्न अर्जित करने के लिए किसी एक स्टॉक या बॉन्ड मूल्य की हलचल पर निर्भर नहीं है। म्यूचुअल फंड आपको लंबी अवधि में संपत्ति बनाने, रिस्क प्रबंधन करने, टैक्स बचाने और भी बहुत कुछ करने में सहायता कर सकते हैं। वे रिटेल इन्वेस्टर के सबसे अच्छे मित्र हैं और किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज अनेक प्रकार के म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। ये खरीदने के लिए सस्ते हैं और आप सिस्टमैटिक स्वचालित निवेश योजनाओं के माध्यम से निवेश कर सकते हैं जो आपको नियमित अंतराल पर छोटी रकम निवेश करने में सहायता करते हैं। उन्हें बहुत आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है जो उन्हें अत्यधिक लिक्विड बनाता है। वे आपको कई शेयर उपलब्ध कराते हैं जो अन्यथा बहुत महंगे हैं और एकाकी रूप से खरीदना मुश्किल है। न केवल उनके पास उच्च रिटर्न क्षमता है बल्कि ये रिटर्न कर लाभ के साथ भी आता है। म्यूचुअल फंड का एक और बड़ा लाभ ये है कि वे पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं जो सभी शोध करते हैं और आपके लिए सभी निवेश निर्णय लेते हैं, जिससे आपको मन की शांति मिलती है कि आपका पैसा अच्छे हाथों में है और ये सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय में बढ़ते बाजार से लाभान्वित हो। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उपयुक्त रूप से डाइवर्सिफाइड हो और आपकी संपत्ति उचित रूप से आवंटित की गई हो। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका ध्यान अपने सपनों को पूरा करने पर होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है और इस प्रकार के गारंटीड रिटर्न प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उपलब्ध फंडों की विविधता को देखते हुए आपको उनमें निवेश करने से पहले ये सोचना होगा कि क्या म्यूचुअल फंड आपकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड उद्योग भारतीय प्रतिभूति भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा, जिनका कार्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है, ये इन उत्पादों को बहुत पारदर्शी बनाता है और आपको हमेशा पता चलेगा कि आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, कृपया ध्यान दें कि कोई एक उत्पाद आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन उत्पादों का सही संयोजन आपको अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाने में सहायता कर सकता है। यदि आप अनिश्चित हैं कि कैसे शुरू करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें या निवेश सलाहकार से परामर्श करें, इसलिए बुद्धिमानी से चुनें। गुड लक। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।